और चलिए इसी बीच एक बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, नहीं रहे हैं जाने माने उद्योगपति रतन टाटा। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे और अब ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है कि जाने माने उद्योगपति रतन टाटा अब नहीं रहे। मेघा प्रसाद हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं। मेघा, ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जी, ये खबर अब मुंबई से आ रही है। ये अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि रतन टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा ग्रुप वो ही उनकी उनका निधन बस कुछ मिनटों पहले बीच कैंडी के अस्पताल में हुआ है, मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में जहां वो एडमिटेड थे। आपको याद दिलाऊं कि बस पिछले हफ्ते ही ये खबर आई थी कि उनकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल रश किया जा रहा है। उस वक्त बताया जा रहा था कि ब्लड प्रेशर में बहुत फ्लक्चुएशन थी और उन्हें आईसीयू में ले गया गया है, लेकिन तुरंत उसके तुरंत बाद रतन टाटा जी का खुद का हस्ताक्षर किया हुआ एक नोट उनके ट्विटर हैंडल पे डाला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए गए हैं और ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मगर बढ़ती उम्र की वजह से काफी इश्यूज वैसे भी हो रहे थे। उन्होंने उस नोट में भी लिखा था कि जो थोड़े मोड़े इश्यूज हैं वो ओल्ड एज की वजह से हो रहे हैं और उसके रेगुलर चेकअप के लिए वो गए हुए हैं। मगर अभी ये खबर आ रही है, उनका उनका पूरा परिवार उनके साथ था इस दुखद, अभी तो सारा परिवार अस्पताल में ही है और उनके लास्ट फ्यू मोमेंट्स में भी उनके परिवार के लोग उनके साथ थे, ये खबर अभी आ रही है। तो ब्रीच कैंडी के अस्पताल में मुंबई में रतन टाटा का निधन हो गया है, ये अब हम एबीपी न्यूज पे कंफर्म कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि परिवार के तरफ से कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट आएगी, अस्पताल के तरफ से भी शायद स्टेटमेंट आ सकती है, क्योंकि आज दिन में भी एक खबर थी कि उनकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है, थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, वो इंटेंसिव केयर में थे, आज इंटेंसिव केयर में वो थे ब्रीच कैंडी में। ये खबर दिन से हम लोगों के पास थी, लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते उनके उनके खुद के हैंडल से ये बताया गया था कि सब अनफाउंडेड रूमर्स है, इसलिए आज ज्यादा लोगों ने पर्स्यू भी नहीं किया, लेकिन अभी ये खबर आ रही है दैट ही हैज पास्ड अवे। रतन टाटा यू नो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो इस देश ने देखा है, और अब उनकी जगह कौन लेगा इस पूरे बड़े एम्पायर को संभालने में, ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन लंबी पारी और बहुत ही ब्रिलियंट पारी अब समझे रतन टाटा की रही है। और बिल्कुल मेघा, ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति थे। ये बेहद दुखद खबर है, काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और अब बताया जा रहा है कि वो नहीं रहे हैं। क्या बीमारी थी मेघा उनको? जी, अभी उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी कि क्या थी क्या बीमारी नहीं थी, मगर आप ओल्ड एज से रिलेटेड इश्यूज थे यही बता सकती हूँ। कोई एक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में किसी भी तरीके की जानकारी अभी तक नहीं आई थी, तो ये कहना गलत होगा या इस पे कोई भी स्पेकुलेट करना गलत होगा कि कोई किसी एक स्पेसिफिक बीमारी से परेशान थे। ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी और उसकी वजह से उनकी कंडीशन डिटोरिएट हुई थी,